चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की आंच अब आपके किचन तक पहुंचने ही वाली है। सूरजमुखी तेल के सबसे बड़े उत्पादक देश रूस और यूक्रेन से इसका निर्यात लगभग बंद हो गया है, जिससे पाम तेल की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। कमोडिटी एक्सपर्ट और केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि ग्लोबल मार्केट के दबाव में भारत में पहली बार पाम ऑयल सभी खाने के तेल में सबसे महंगा हो गया है। आगे भी पाम तेल सहित सभी के खाने के तेल 15-20% महंगे हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन दुनिया को कुल सूरजमुखी तेल का करीब 70% निर्यात करते हैं और इसमें आई कमी को अब पाम तेल के जरिए पूरा किया जा रहा है। अजय केडिया का कहना है कि पाम के सबसे बड़े उत्पादक देश मलेशिया में मई 2020 में इसके भाव 1937 रिंगिट थे, जो कि अब बढ़कर 7100 रिंगिट पहुंच चुके हैं, यानी 2 साल से भी कम समय में इसकी कीमतें 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। यह अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है। मंगलवार को ही पाम तेल का वायदा भाव 7% उछाल पर पहुंच गया था। पाम तेल की बढ़ती कीमतों से बचने के लिए भारत ने पिछले दिनों अपनी रणनीति में बदलाव किया था और खाद्य तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए सूरजमुखी और सोयाबीन तेल के ज्यादा आयात की रणनीति बनाई थी। भारत अभी यूक्रेन से 17 लाख टन सूरजमुखी तेल का आयात करता है, जबकि रूस से 2 लाख टन मंगवाता है। दोनों ही देशों से निर्यात बाधित होने की वजह से उसे दोबारा पाम तेल खरीदना पड़ेगा, जो कि इस समय रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है। पाम तेल का इस्तेमाल सभी तरह के रिफाइंड तेल में किया जाता है। आप चाहे मूंगफली का तेल खरीदते हो या सोयाबीन का, उसमें पाम तेल की मिलावट होती ही होती है। पहले सरसों के तेल में भी इसकी मिलावट की जाती थी, लेकिन 2 साल पहले सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। इसका मतलब है कि पाम तेल के दाम बढ़ने से सरसों को छोड़कर सभी तरह के खाने के तेल महंगे हो जाएंगे, जिनके दाम पहले से ही 15 रुपए लीटर महंगे चल रहे हैं। अब जानते हैं कि किन वजहों से पाम तेल की कीमत बढ़ रही है। पहला, सरकार पेट्रोल डीजल में पाम तेल की मिलावट करती है। दूसरा, पाम उत्पादक देशों पर मौसम की काफी मार पड़ी है, जिससे उत्पादन पर भी असर पड़ा है, और महामारी के बाद लेबर कॉस्ट बढ़ गई है और श्रमिकों को अब ज्यादा भुगतान करना पड़ता है, और कंटेनर के अभाव के चलते, यानी कि कंटेनर के शॉर्टेज चल रही है, जिससे लॉजिस्टिक्स और शिपमेंट काफी खर्चीले हो गए हैं। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान।